सैकड़ों नेताओं बीजेपी के खिलाफ निकाले कैंडल मार्च पहलवानों के सपोर्ट में। बता दें कि जनपद में सोमवार को पहलवान बेटियों के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्यांश अध्यक्ष अजय राय बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने इस दौरान कहा कि 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां लाइट एक्शन कैमरे की बीहड़ में देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैराकार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी दिल्ली में ठीक नाक के नीचे जंतर मंतर पर पिछले 6 से 7 महीनों से अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण के विरुद्ध में न्याय की मांग को लेकर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत धरनात्मक महिला पहलवान का समर्थक कोई नहीं कर रहा और वो मांग रही हैं समर्थन। बता दें कि दमनात्मक कार्रवाई करते हुए ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे विश्व का जिस तरीके से प्रतिष्ठा के खेलों में पदक प्राप्त करने वाली हमारी महिला पहलवानों के साथ सरेआम मीडिया की मौजूदगी में बदसुलूकी की गई, यह कितने शर्म की बात है। आखिर क्या गुनाह किया है हमारी इन बहनों ने? क्या खुद के साथ हुए जुल्म और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? तो जिस तरीके से देखा गया तो जनपद में इतना ज्यादा कैंडल मार्च के साथ सैकड़ों लोग समर्थन में थे, सैकड़ों नेताओं समर्थन में थे और वो रोडों पर कैंडल मार्च लेकर निकल गए पहलवानों के सपोर्ट में। तो सारे जगह अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे विवाद फैलते जा रहा है मोदी के खिलाफ और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। आगे आगे देखना है कि आखिर में जिस तरीके से दंगा का विवाद चल रहा है पूरे देश के अंदर, तो आगे आगे देखना है कि होता है क्या। सभी लोग कैंडल मार्च बारी बारी से निकाल रहे हैं उन पहलवानों के सपोर्ट में। तो आपको क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।